नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत निजी अस्पताल में नाबालिग किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोरी कटनी जिले के सलीमनाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। दो दिन पहले किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, जहां लगातार किशोरी की हालत बिगड़ती गई। गुरुवार की शाम इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि गांव में ही रहने वाले एक युवक ने पहले तो किशोरी के साथ रेप किया और फिर गर्भपात के लिए दवाइयां खिला दी। जबलपुर लाडगंज थाना सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने बताया कि पुलिस ने जीरो पर मुकदमा दर्ज कर कटनी पुलिस को जानकारी दे दी है। नाबालिग किशोरी की मां ने बताया कि उसकी बेटी को बीते 4 माह से पेट में दर्द हो रहा था। कई बार उससे पूछा पर वह चुप रही। तबीयत लगातार बिगड़ रही थी तो गांव में ही उसका इलाज करवाया पर आराम नहीं मिला। बुधवार की शाम को जब किशोरी की ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो उसे लेकर जबलपुर आ गए अस्पताल में भर्ती। किशोरी ने बताया कि कुछ माह पहले जब घर के सभी लोग खेत गए थे तभी हनकुल घर आया और जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। इस घटना के बाद किशोरी डर गई और चुप रही। मृत किशोरी की मां ने बताया कि इस घटना के बाद फिर एक दिन किशोरी पड़ोस में रहने वाली चाची के यहाँ जब बर्तन लेने गई तब भी वहां पर आरोपी हनकुल बर्मन ने उसे पकड़ लिया। मृतक की मां ने बताया कि आरोपी के साथ पड़ोस में रहने वाली दीपा नाम की महिला ने भी दिया था। नाबालिग किशोरी की मौत की जानकारी मिलने के बाद लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जीरो पर मुकदमा दर्ज कर केस डायरी सलीमनाबाद थाने भेज दी है। लाडगंज थाने में पदस्थ संध्या चंदेल ने बताया अस्पताल से जानकारी मिली थी कि एक नाबालिग किशोरी जो कि बुधवार को ही 18 साल की हुई है उसके साथ कुछ रेप हुआ है। परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। आगे की कार्रवाई अब कटनी पुलिस करेगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी मैडम, एक महिला की मौत हुई है, क्या मामला? लाडगंज थाना में दिनांक 19/10/2023 को एक निजी अस्पताल से सूचना मिली कि एक 18 साल की बच्ची है जो कि गर्भवती थी लगभग 2 से 3 माह की और हैवी ब्लीडिंग होने से उसकी डेथ हो गई। तो सूचना की तस्दीक पर हम हॉस्पिटल रवाना हुए, वहाँ उसकी माँ के कथन देखे जिनके द्वारा बताया गया कि अंकुल बर्मन नाम का व्यक्ति था जो कि सलीमनाबाद के पास बड़ा कछार गांव का रहने वाला है, उसके द्वारा गलत काम किया जिसके कारण वह 3 महीने की गर्भवती थी। यहाँ कहाँ एडमिट थी? यहाँ सुधा नर्सिंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, इलाज दौरान। मामला कायम अब चूँकि अब निजी अस्पताल अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है तो जीरो में अपराध मर्ग कायम किया गया और जांच में रखा गया। आरोपी तो फरार होगा। हैदराबाद। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।